इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की रेलवे क्रॉसिंग पर एक युवक की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। हालांकि युवक के साथ हादसा हुआ है या उसने सुसाइड किया है यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित मालवा वनस्पति रेलवे क्रॉसिंग का है, जहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ट्रेन से कट गया है। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। हालांकि युवक ने सुसाइड किया या यह हादसा ये अभी जाँच का विषय है। आज दिनांक हो गया अभी सुबह के टाइम पे 4:15 बजे के लगभग जोधपुर ट्रेन पे एक व्यक्ति मालवा वनस्पति फैक्ट्री के सामने गेट है वहाँ पटरी पे से जा रहा था और वो ट्रेन से टकरा गया, तो जिसके सिर में गंभीर चोट आई है, पैर में हुई है। उसकी अभी शिनाख्त नहीं, वारिसान की तलाश जारी है। कितनी क्या उम्र होगी इसकी? उसकी होगी 30 से 35 के लगभग। नहीं, ऐसा गंजा सा है, दाढ़ी बड़ी है उसकी, गोल चेहरा, गेहूँ गठीला बदन है। और अभी तक वहाँ के लोगों ने पहचाना, मगर किसी ने अभी उसका वो पहचानने से इनकार करा है। अज्ञात है क्या की घटना है ये? अपना मालवी वनस्पति है ना फैक्ट्री, उसके रेलवे क्रॉसिंग के पास के। आपका नाम? मेरा एएसआई राजेंद्र पाटिल, थाना जीआरपी इंदौर।